हे गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं और उनकी कोडिंग की प्रैक्टिस की है। सो आज के लेक्चर में मैं CSS के मार्जिन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मार्जिन क्या होता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो लेक्चर 7 कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एक बार रन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं चल रहा है लेक्चर 7 CSS मार्जिन्स। तो मार्जिन होता क्या है, मैं पहले एक बॉर्डर बना लेता हूँ, हेडिंग 1 बना लेता हूँ पहले। CSS मार्जिन्स, कंट्रोल एस से यहाँ एक स्टाइल टैग लिख लूंगा मैं। हेड के अंदर ही लिखूंगा तो छोड़िए, यहाँ एक स्टाइल टैग लिख लूंगा, हेड 1 इसका सिलेक्टर, हेडिंग 1। देन मैं इसको एक बॉर्डर दूंगा पहले, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बॉर्डर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आई होप आपको पता होगा बॉर्डर कैसे देते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि ये जो बॉर्डर, इसके अंदर का ये स्पेस है, बॉर्डर और इसके बीच का स्पेस, मतलब एलिमेंट के अंदर का स्पेस, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। तो जैसे मार्जिन 4 टाइप के होते हैं, मार्जिन बॉटम, टॉप, राइट, एंड। ये देखिए बॉटम, टॉप, राइट, एंड, मिड, स्टार्ट, वो थोड़े एडवांस होते हैं। बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट का आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। तो मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा 20 पिक्सल, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इसमें इतना ही गैप है बॉर्डर टॉप के और इसके हेडिंग 1 के बीच में। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हैं गैप थोड़ा बढ़ गया है, बट इतना सिग्निफिकेंस नहीं बढ़ा क्योंकि। तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे 200 पिक्सल करके। अब देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं मार्जिन कितना ज्यादा बढ़ गया है और ये हेडिंग कितनी नीचे आ गई है। तो मार्जिन यही होता है कि एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में कितना गैप आ सकता है, इसी को हम मार्जिन कहते हैं। सो मैं आपको और बताता हूँ मार्जिन किस किस टाइप से दे सकते हैं हम। अब मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 50 पिक्सल, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एस। अब दिखाते हैं लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ लेफ्ट, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं लेफ्ट से दूर आ गया ये। अब मैं मार्जिन राइट भी 50 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन राइट 50 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं राइट से भी अंदर आ गया। मैंने बॉर्डर इसलिए लगाया ताकि पता लग जाए हमारा एलिमेंट कहाँ पे है, पता लग जाता है बॉर्डर से कि हमारा एलिमेंट कितना बड़ा है। मैं मार्जिन बॉटम भी 200 दे देता हूँ, टॉप भी 200। बॉटम होता है नीचे का, टॉप होता है ऊपर का, राइट लेफ्ट तो आपको पता ही है। कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं ये ऑलरेडी बीच में है, इसलिए बॉटम का 200 हमें पता नहीं चल रहा। ऊपर भी 200 है, नीचे भी 200 ही है। मार्जिन की हम शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं, अगर हमें ये अलग अलग ना लिखना हो तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं मार्जिन। इसका क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले टॉप, फिर हमें लिखना होता है राइट वाला 50, फिर लेफ्ट वाला 50, देन बॉटम वाला 200। सबके आगे पिक्सल लिखना पड़ेगा हमें अलग अलग। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ये होता है टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम। अब देखिए मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ Ctrl// से। अब ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं अब भी वैसा ही मार्जिन है। बताना चाहूंगा टॉप, राइट, ये वाला बॉटम होगा थर्ड, ये वाला लेफ्ट नहीं होगा, ये बॉटम होगा, फोर्थ वाला लेफ्ट होगा। Ctrl से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बॉटम नीचे का, टॉप ऊपर का, राइट और लेफ्ट तो आपको पता है, देख सकते हैं वैसे का वैसा आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप मार्जिन को ऑटो वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, ऑटो का मतलब वो अपने आप बीच में आ जाएगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे हम। So that's it for today's lecture. I hope you got all the points explained in this lecture. In case of any query or doubt, you can put that in Q&A section. Thank you for attending.